हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे अमेजिंग DIY क्लीनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट हैं और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइस, मेरी फर्स्ट क्लीनिंग टिप्स है किचन में, जो कि हमारे स्टोव जब गंदे हो जाते हैं, काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं, तो कैसे हम उन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग विनेगर, बेकिंग सोडा का यूज़ करके क्लीन करते हैं, बट मैंने ये वाला हैक भी यूज़ किया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा या विनेगर नहीं है तो आप टूथपेस्ट ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और लेमन जूस डालकर एक पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने स्टोव पे अप्लाई कर लीजिए किसी ब्रश की हेल्प से या किसी भी कपड़े की हेल्प से। और उसके बाद आप इसे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें और उसके बाद क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टोव है वो बहुत ही क्लीन हो जाएगा और आपको मार्केट से भी कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस तरीके से अपने जो स्टोव है उसको हफ्ते या 10 दिन में डीप क्लीन करते रहेंगे तो आपको आपका जो स्टोव है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, वो क्लीन ही रहेगा। और क्योंकि मार्केट में बहुत टाइप के क्लीनर मिल जाते हैं लेकिन उनमें ब्लीच होता है, केमिकल होता है, जो कि हमारी जो स्किन है उसको इरिटेट करता है जब हम उसे यूज़ करते हैं। तो इससे अच्छा कि आप घर पर ही DIY क्लीनर बना के अपने घर को क्लीन रख सकते हैं और इससे आपके कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे। तो गाइस, मेरी जो दूसरी क्लीनिंग टिप है वो है हमारे किचन के जो कैबिनेट होते हैं वो काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर खाना बनाते हैं, मसालों का यूज़ करते हैं, ऑयल घी का यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं। तो कैसे हम उनको DIY उनका जो चिपचिपापन है वो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, उसमें आप थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और थोड़ी सी जो डिश सोप है वो डालकर, थोड़ा सा मैंने वार्म वाटर डाला है, तो ये एक ऑयल सोप के जैसा काम करता है। इन तीनों का जो सॉल्यूशन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है आपके जो कैबिनेट हैं उनकी जो चिपचिपापन है उसको निकालने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने जो कैबिनेट हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, आप देखेंगे वो काफ़ी क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल भी उनमें चिपचिपापन नहीं रहता है। तो गाइस, मेरी जो नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है वो है हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं लाइटिंग के, वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हम बार बार ऑन ऑफ़ करते रहते हैं, उनका यूज़ करते हैं तो हाथ का जो गंदा होता है उनमें लग जाता है, कई बार बहुत सारे निशान उनमें हो जाते हैं। तो उनको हमारे पास जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसकी हेल्प से हम ईज़िली क्लीन कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप बस एक किसी भी पेपर टावल या किसी भी कपड़े में वो लगाकर क्लीन कर सकते हैं। और इनके जो कॉर्नर होते हैं उनको क्लीन करने के लिए आप क्यू टिप्स का यूज़ कीजिए, तो जो कॉर्नर हैं वो भी ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो गाइस, मेरी जो नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है वो है हमारे घर के जो डोर होते हैं उनको हम कैसे इजीली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डोर पर क्लीनर यूज़ करते हैं तो उनका पेंट निकलने का भी डर होता है, तो इसलिए हम घर पर ही DIY क्लीनर बना सकते हैं। एक बोल में मैंने गर्म पानी लिया है, थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है और थोड़ा सा डिश सोप डाली है, तो इन तीनों के सॉल्यूशन से आप अपने डोर को ईजिली क्लीन कर सकते हैं और इससे आपके डोर का पेंट भी नहीं निकलेगा और आपके जो डोर है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो गाइस, मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है हमारे जो सिंक के स्टेनर होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर बर्तन धुलते हैं तो सारी गंदगी उनमें ही लग जाती है। तो कैसे हम इजीली उन्हें क्लीन कर सकते हैं, आपके पास कोई पुराना टूथब्रश होगा और उस पर आप टूथपेस्ट लगा लीजिए और इस तरीके से आप इसे क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टेनर है वो काफ़ी क्लीन हो जाएगा और इसके लिए आपको मार्केट से कोई क्लीनर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गाइस, मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि जो हमारे जो किचन के सिंक होते हैं उनमें हम काफ़ी बर्तन धोते हैं तो वो गंदे हो ही जाते हैं कैसे ना कैसे, तो कैसे हम इन्हें ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, तो पहले आप टूथपेस्ट को अपने जो सिंक है उस पर अप्लाई कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद जो सॉल्ट है उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए, फिर किसी भी स्क्रब की हेल्प से आप स्क्रब करके इसको क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो आपका सिंक है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है।
तो गाइज़ मैंने काफ़ी वीडियोस ऐसे देखे हैं कि लोग क्लीन ही चीज़ दिखाते हैं, उसके ऊपर हैक यूज़ करते हैं तो वो क्लीन ही दिखता है, बट आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो सिंक है वो रियल में कितना गंदा हो रखा है, कैसे दिख रहा है। और जब मैं इसे क्लीन करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं आप लोगों के साथ रियलिटी ही शेयर करूँगी, एडिटिंग करके कुछ भी ऐसा नहीं शेयर करूँगी कि एक्स्ट्रा क्लीन हो गया था। इसका जो रिज़ल्ट था वो सेटिस्फाइंग था, क्योंकि हमको मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदना पड़े, और अगर हमको इतने कम बजट में हमारा जो सिंक है वो क्लीन मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो गाइज़ मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हमारे घर में प्रेशर कुकर और पैन कई बार इस टाइप के जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो कैसे हम इन्हें इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील के स्क्रबर होते हैं उनका यूज़ करते हैं, बट उससे इनमें निशान पड़ जाते हैं। तो आप इस टाइप के सोप पैड का यूज़ कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जो जले हुए जो पैन है वो ईज़िली क्लीन हो जाते हैं बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए, और इनमें निशान भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपना काफ़ी टाइम भी सेव कर सकते हैं और आपके जो पैसे हैं वो भी बचा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है ये $1 के इसके अंदर 800 पैड होते हैं। तो आप इनको तभी यूज़ कीजिए जब आपका जो पैन है वो काफ़ी जल गया है और आपको इसको क्लीन करना है। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो गाइज़ मेरी नेक्स्ट टिप है कि हमारे बालकनी के जो डोर होते हैं उनका जो ये वाइट वाला पार्ट है काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, बच्चों के हाथ लगते हैं, बड़ों के हाथ लगते हैं, कैसे ना कैसे ये गंदे हो जाते हैं। तो कैसे हम इन्हें ईजिली क्लीन कर सकते हैं, तो इस पर आप शेविंग क्रीम को अप्लाई कर लीजिए और 4-5 मिनट के लिए उसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप किसी भी पेपर टॉवल या किसी भी कपड़े की हेल्प से इसे क्लीन करेंगे, तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये बहुत क्लीन हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने जो वाइट कलर का अगर आपके पास कोई ट्रैश कैन है तो उसको भी क्लीन कर सकते हैं, वो भी शेविंग क्रीम की हेल्प से ईजिली क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको मार्केट से कुछ भी खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ऑलरेडी शेविंग क्रीम हम घर में यूज़ करते हैं तो उसको कहीं और भी यूज़ किया जाए। और इस तरीके से आप अपने काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं, अपना काफ़ी टाइम भी बचा सकते हैं। तो गाइस मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हमारे घर के जो ग्लास विंडो या ग्लास डोर होते हैं इस टाइप के गंदे हो जाते हैं, तो कैसे हम उनको इजीली क्लीन कर सकते हैं घर पर ही बिना कोई मार्केट से क्लीनर खरीदे हुए। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा एक स्प्रे बॉटल, थोड़ा सा पानी और लेमन जूस। तो लेमन जूस और पानी का मिक्सचर बनाकर हम उसको क्लीन कर सकते हैं ईजिली। आप इसको डायरेक्टली किसी कपड़े में लगाकर भी क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और उसके बाद इसको स्प्रे कर लीजिए जहाँ पर भी आपको क्लीन करना है, या फिर डायरेक्ट ही कपड़े पर आप ये पानी डालकर इसको कपड़े से क्लीन कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो ग्लास के डोर या विंडो हैं वो ईजिली क्लीन हो जाएंगे और आपको इसके लिए कोई भी जो क्लीनर है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है तो ये ईज़िली आप इसे अपने हाथों से क्लीन कर सकते हैं बिना ग्लव्स के यूज़ किए हुए भी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन हो गया है ये अभी। तो गाइस मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हमारे घर के जो वुड फर्नीचर होते हैं जैसे डाइनिंग टेबल, चेयर, लकड़ी की कोई भी चेयर, इनकी जो शाइनिंग है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो कैसे हम इजीली घर पर इनके लिए पॉलिश बना सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए होगा ऑलिव ऑयल, लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और उसके बाद मैं लेमन जूस डाल लूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे, एक पॉलिश जैसा। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप एक छोटी सी जगह में इसका पैच टेस्ट कीजिएगा, अगर आपके टेबल में कोई स्टेन नहीं आते हैं तो आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पूरे टेबल में, पूरी चेयर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टेन आ रहे हैं तो आप इसको यूज़ मत कीजिए। मैंने पहले भी इसका टेस्ट किया हुआ है, ट्राई किया हुआ है, तो मेरी जो टेबल एंड चेयर हैं इससे काफ़ी अच्छी शाइन करती हैं। तो ईज़िली हम घर पर इस तरीके से अपने वुडन फर्नीचर के लिए भी पॉलिश बना सकते हैं। तो गाइस मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हमारे घर में कुछ लेदर के शूज़ होते हैं और कुछ ऐसे शूज़ होते हैं जिनकी कोई पॉलिसी नहीं मिलती है, तो हम इन्हें कैसे क्लीन करें। तो इस तरीके से आप जो लेमन जूस एंड ऑलिव ऑयल की पॉलिश बनाई थी उसको आप अपने शूज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके जो शूज़ हैं वो काफ़ी शाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप ईज़िली घर पर भी अपने शूज़ के लिए पॉलिश बना सकते हैं।
गाइस मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हम अपने वॉशरूम के लिए काफ़ी महंगे से महंगे क्लीनर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम इनको ईजिली क्लीन कर सकते हैं, जिसके लिए हमको महंगे क्लीनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो शेविंग क्रीम भी उनमें से एक है। आप अपने टॉयलेट में शेविंग क्रीम को इस तरीके से अप्लाई करके 3-4 मिनट के लिए रहने दें और उसके बाद आप इसे किसी भी कपड़े की हेल्प से क्लीन कर लीजिए, किसी भी टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो टॉयलेट बोल है वो काफ़ी क्लीन हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी महंगे क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स से अपने जो वॉशरूम है उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर हम ये वाली जो टिप्स हैं इनको हफ्ते 10 दिन में भी यूज़ करते हैं तो हमारा जो टॉयलेट है वो क्लीन रहेगा और हमको मार्केट से क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अपने काफ़ी पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो गाइस मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हम अपने जो वॉशरूम के कैबिनेट होते हैं उनको डेली क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट होता है आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा है क्योंकि ये डेली क्लीन नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पर भी शेविंग क्रीम को अप्लाई कर लीजिए, 5-6 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद आप किसी कपड़े से रब करके या किसी स्क्रबर से आप इसको स्क्रब करके क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्लीन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो गाइज़ ये वाली जो क्लीनिंग टिप है वो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे क्रेयॉन से पेंसिल से कई बार वॉल में लिख लेते हैं जिससे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई बार पेंट निकलने का भी डर होता है। तो हमारे घर में मेयोनीज़ एक ऐसा इन्ग्रीडियंट है जिससे आप अपने वॉल पर जो क्रेयॉन होते हैं उनको ईजिली निकाल सकते हैं। आप मेयोनीज़ को इस तरीके से रब कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए और इसको 5-6 मिनट ऐसे ही रहने दें जब तक ये ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आप किसी कपड़े की हेल्प से रब करके इसको निकाल लीजिए और फिर किसी वेट क्लोथ से इसे क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो वॉल का पेंट है वो भी नहीं निकलेगा और क्रेयॉन ईजिली निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वॉल को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब डोर पे कभी क्रेयॉन या पेंसिल से लिख देते हैं बच्चे तो कैसे उसको ईजिली टूथपेस्ट की हेल्प से हम क्लीन कर सकते हैं। आप यहाँ पर वाइट कलर का टूथपेस्ट भी ले सकते हैं या कोई भी कलर का टूथपेस्ट ले सकते हैं वैसे क्लीनिंग के लिए यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको लगा लीजिए और उसके बाद इसको रब कर लीजिए किसी कपड़े से, तो आप देखेंगे कि ये ईजिली क्लीन हो जाएगा और आपका जो डोर का पेंट है वो भी नहीं निकलेगा। तो गाइस ऐसे ही हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे कि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट, बिना कुछ भी खर्च किए हुए और बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि हमारे जो शावर होते हैं हम उन्हें डेली यूज़ करते हैं तो इसलिए उनमें वाटर स्टेन हो जाते हैं, सोप स्कम हो जाते हैं, तो कैसे हम उन्हें ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा लेमन और सॉल्ट, तो आप लेमन को हाफ कट कर लीजिए और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगाकर अपने शावर पर इस तरीके से रब कर लीजिए और इसको कुछ देर ऐसे ही रहने दें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप इसको रब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे तो ये इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होगा। आप लेमन से इसको रब कर लीजिएगा, उसके बाद रिंस कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो गाइस मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हमारे वॉशरूम के जो फॉसेट होते हैं, जो सिंक होता है, उसमें कई बार वाटर के स्टेन हो जाते हैं, टूथपेस्ट के स्कम हो जाते हैं, सोप स्कम हो जाते हैं, तो कैसे हम इसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप एक लेमन को कट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगा लीजिए और इस तरीके से अपने फॉसेट को स्क्रब कीजिए लेमन एंड सॉल्ट से। अपने सिंक को भी इसी तरीके से आप क्लीन कीजिए, कुछ टाइम इसे ऐसे ही रहने दें 7-8 मिनट के लिए, उसके बाद आप वाटर से रिंस कर लीजिए और किसी कपड़े से इसे वाइप कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो फॉसेट है वो इंस्टेंट ही क्लीन हो जाएंगे, चमकने लगेंगे और आपका जो सिंक है वो भी ईजिली क्लीन हो जाएगा।
तो गाइस मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप है कि हमारे घर के जो रग होते हैं, जो कारपेट होते हैं, उनमें कई बार कुछ गिरने से स्टेन आ जाते हैं और इसके लिए हमको मार्केट से क्लीनर खरीदना पड़ता है। तो एक बार आप क्लीनर खरीदने से पहले शेविंग क्रीम को अप्लाई करके देखिएगा, तो जहाँ पर भी स्टेन आते हैं वहाँ पर आप शेविंग क्रीम को अप्लाई करके छोड़ दीजिए जब तक ये ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आप किसी भी ब्रश की हेल्प से इसे स्क्रब करके वाइप कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो स्टेन है वो ईजिली निकल आएंगे और आपका जो कारपेट है वो क्लीन हो जाएगा। तो आपको मार्केट से भी क्लीनर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने कारपेट को भी ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।